तो कही है दोस्तों कैसे है? जैसे कि आपको भी अगर वो सब पावर चाहिए, घर वाली ताकत चाहिए, अगर आपको भी अंदरूनी कमजोरी है, अंदरूनी पावर को बढ़ाना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो जो आज हम आपको होम रेमेडीज बताने जा रहे हैं ना, ये आपके पार्टनर यानी कि कोई भी मेल या फीमेल कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, इससे हर किसी को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो करना क्या है कि जो काबुली चना होता है यानी कि जो सफ़ेद चना होता है उसे काबुली चना कहते हैं, तो उस चने को लेना है। देखो दो तरीके से बताएंगे हम, जैसे करना चाहो आप उस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि काबुली चना ले लीजिए एक मुट्ठी, उसको रात भर पानी में धोकर अच्छे से भिगा दीजिए। सुबह उसको मतलब कि खाकर उसी को नाश्ते के समय उसका खाना है, और जिस पानी में आपने भिगाया था वो पानी आपको पीना है, पहला तरीका। अगर आप खाली पेट जैसे खाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप नहीं खा पाते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, तो ये दूसरा तरीका आपके लिए है, आप इसको भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि काबुली चना को भून लीजिए, भूनने के बाद उसका पाउडर बना लीजिए, और एक गिलास दूध लीजिए, ठीक है, और एक छुहारा लीजिए, छोटे छोटे पीस काट कर उस गिलास के दूध में उसको डाल दीजिए, और उस काबुली चने का जो पाउडर बनाए उसको एक चम्मच या दो चम्मच उस दूध में डालकर हल्का सा सिर्फ धीमी आंच पर एक उबाल दूध को आने दें, गैस बंद हो जाने दें, ठंडा दूध होने बाद इसको पी लीजिए।